खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 News TV। Hello and welcome to A1 News TV and I am Megha Verma. Let's have a look on our special story. Recently, an arts and craft exhibition fundraiser event was organized. For World Kindness Day celebration, a fundraiser event was organized by Arbab Abdullah and CD Foundation for needy families in Afghanistan. सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। अरबाब सर के साथ आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ये एक इंडिपेंडेंट मुहिम है हमारा वर्ल्ड काइंडनेस डे में, कि काइंड तो सबको हर दिन होना चाहिए, बट आज वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक कॉज को सपोर्ट किया है, वो है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाने के लिए, फूड शॉर्टेज को देखते हुए फूड सर्विसेज पहुँचाने के लिए अफगानिस्तान की फैमिलीज में। तो हम लोग फंड रेजर कर रहे हैं, जहाँ अरबाब सर जो कि एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने पेंटिंग्स डोनेट किए हैं, वो हम बेचेंगे। अपने साथियों से बोल रहे हैं हम कि आप पेंटिंग्स खरीदिए, जो पैसा रेज होता है वो हम अफगानिस्तान फैमिली में भेजेंगे, उनको आटा, चीनी, चाय पत्ती और एडिबल ऑयल देंगे। एंड रग्स हैं हमारे पास, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो एक हैंडीक्राफ्ट के नावेद हैं जिस रग से उन्होंने डोनेट किया है, वो हम लोग बेचेंगे, उससे जो पैसा रेज होता है वो भी अगेन ह्यूमैनिटेरियन कॉज में जाएगा। एंड देन कंबल डोनेशंस लिए हैं हमने, कंबल आपको पता ही है सर्दियों में बुरे हाल होते हैं, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 55% अफगान फैमिली भूख से अफेक्टेड रहेगी, विच इज़ अ ह्यूज डील। आप समझ सकते हैं आज के दिन मॉडर्न ज़माने में पलक झपकते एक पूरा देश कोलैप्स हो गया है और दुनिया भी बैठ के सोच रही है आगे क्या किया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, किसको सपोर्ट नहीं किया जाए। बात सपोर्ट की नहीं है, बात यह है कि कोई ज़रूरत है, कुछ करने में दिक्कत क्या है ना। Afghan paintings and handicrafts were sold to raise funds for providing food for needy families in Afghanistan. According to UN report, 55% of Afghanistan's population will face a food crisis. This initiative was started to help raise funds for food and collect warm blankets for families in Afghanistan and will be repeated in the coming months too. On this day, diplomats and friends from different countries, Australia, Poland, Portugal and Switzerland, came together to help and support the cause. A popular Afghan artist, Arbab Abdullah, donated his painting, which were sold to collect funds. Handicrafts were donated by H.S. Ruggs. Afghan Bagban donated funds for the cause. Indian businessman Manoj Kumar donated kambals. My name is Manoj Kumar. मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं बेसिकली कस्टम क्लियरेंस और चाय का व्यापारी हूं। आई एम इनटू टी बिज़नेस एंड कस्टम क्लियरेंस एंड लॉजिस्टिक्स बिजनेस आल्सो इन दिल्ली। बेसिकली सिंस चाइल्डहुड से ही मेरे को लोगों को सपोर्ट करना, लोगों के तकलीफ़ में उनको ध्यान रखना, नेबर्स हों या कोई और आसपास के कोई लोग हों, कहीं के भी हों, तो वो मेरे को लोगों को सपोर्ट करना शुरू से अच्छा लगता है। नो मैटर वो किस कास्ट के हैं, किस मजहब के हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके के लोग हैं, तो उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई पर्सनली बिलीव इन काइंडनेस फॉर दी ह्यूमैनिटी। जो भी है नर सेवा नारायण सेवा, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, चाहे वो नर कहीं के हों, ह्यूमन कहीं का भी हो और किसी मजहब का हो, किसी कास्ट का हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब चारू जी ने हमको बताया कि इस तरीके से आज वर्ल्ड काइंडनेस डे पे हम अगर कुछ गरीब लोगों को कहीं पे अगर सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बताइए कि हम किस तरीके से उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस केस के लिए फिर मैंने चारू जी को बोला कि चारू जी ऐसा है, जो आपको उचित लगे मुझे बता दीजिए। तो अफ़गानिस्तान की ठंड को देख के, वो ठंड के सीज़न में, तो इन्होंने कहा कि आप ब्लैंकेट्स का हमको दे दीजिए। तो यही सोच के मैंने उनको 150 ब्लैंकेट्स दे दिए। अरबाब हमदुल्ला सेड, वी विल सेंड द फंड्स कलेक्टेड टुडे डायरेक्टली टू पीपल इन अफगानिस्तान सो दैट राशन फॉर नीडी फैमिलीज कैन बी ब्रॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, माय नेम इज़ हमदुल्ला अरबाब, आई एम अफगान आर्टिस्ट और आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है। इस दिन पे हमने कोशिश की कि एक फंड रेजर इवेंट बनाए, उससे जो पैसे हम जमा करें उसको अफगानिस्तान बेच दे, जो गरीब लोग हैं वहाँ पर उनकी हेल्प कर सके। तो इस इवेंट में हमने 20 पेंटिंग्स जो थे वाटर कलर पोर्ट्रेट्स, उनको मैंने डोनेट किया था इस फंड रेजर के लिए। इसके अलावा हमारे पास और लोग भी थे जिन्होंने पेंटिंग्स डोनेट की, रग्स, हैंडीक्राफ्ट्स डोनेट की,
और कुछ सेल हो चुकी है अभी तक, और जो भी फंड रेजिंग हो उसको इंशाल्लाह अफगानिस्तान भेजेंगे हम। दिस इज आर इंडिपेंडेंट एंड प्राइवेट इनिशिएटिव एंड विद गॉड विलिंग वी विल बी एबल टू हेल्प मेनी फैमिलीज इन दिस आवर ऑफ नीड। CD Foundation Director Charu Das said, "We have collected fund of rupees 1.5 lakhs today, which will help provide food for 50 families for a month. One food packet will have atta, sugar, edible oil, and tea, which will provide a month's quota for a family of 8 to 10 members and would cost about 3,000 each. We also received 150 warm blankets in donation today." मेरा नाम चारू दास है, मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज वर्ल्ड काइंडनेस डे है 13 नवंबर। काइंड तो सबको रोज़ होना चाहिए, बट आज के काइंडनेस को सेलिब्रेट करने के लिए हमने अफगानिस्तान के फैमिली को, जो वहाँ की फैमिलीज हैं जिनको ज़रूरतमंद है, उनके फूड स्कैरसिटी को कम करने के लिए हमने एक मुहिम स्टार्ट की है। हम यहाँ अरबाब सर के साथ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं अफगानिस्तान से, वो अपने पेंटिंग्स उन्होंने डोनेट किए हैं, हम वो पेंटिंग्स बेचेंगे, हैंडीक्राफ्ट बेचेंगे यहाँ, और जो पैसा रेज होगा वो हम अफगानी फैमिलीज़ को देंगे, उनके बेसिक आटा के लिए, तेल के लिए, चाय पत्ती और चीनी का एक पैकेज बनाएंगे जो 3,000 रुपये का होता है, वो हम उस फैमिली को देंगे। 8 से 10 लोगों की फैमिली ये एक महीना पूरा चलाएगी, तो हम कोशिश कर रहे हैं करीब 100 फैमिलीज़ को हेल्प करें, और कंबल से इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत सीवियर कोल्ड आता है अफगानिस्तान में, बहुत ठंड में लोग मरते हैं, तो वही है। वी मस्ट से दिस वुड बी वेरी नाइस इनिशिएटिव टू हेल्प द नीडी पीपल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। फॉर मोर अपडेट्स स्टे विद एवन न्यूज़ टीवी। खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज़ टीवी।